अच्छा, ये मेरी सीरीज की तीसरी वीडियो है ओजम्पिक के बारे में। लास्ट टाइम मैंने पहले आपको पहले ही बताया था कि ओजम्पिक है क्या, दूसरी मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉक्सिंग क्या थी, तीसरे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। अब पहले तो ये आप, ये मेरा सील बॉक्स है, मैं आपको पूरा दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो ये होता है 1 मिलीग्राम वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम में ये अवेलेबल है। तो पहले मैं आपको ये बॉक्स पूरा दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में अवेलेबल है। द बॉक्स दैट इज द प्रेजेंटेशन इज अवेलेबल पाकिस्तान इज लाइक दैट, उसके ऊपर लिखा होगा, एक पेन है, उसके अंदर 4 डिस्पोजेबल लीटर्स हैं, ठीक है। एक तो ये लिखा होगा, फिर आप साइड पर देख रहे हैं, यहाँ पे ओपन हेयर लिखा हुआ होना है, पीछे ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई इन्होंने जो इंग्लिश में है, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये उर्दू में है। तो मैं जूम करके आपको दिखाया था, ये उर्दू में लिखी हुई है, सीमाग्लूटाइड 1 मिलीग्राम, इस भरे पेन में जजेस डब्बे में पेन डिस्पोजेबल, बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ये सारा रास्ता लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे इसका बाकी लिखा है, प्राइस लिखी हुई 21,020 रुपये की, यानी 21,021 रुपये समझ रहे हैं, ये और कीमत उन्होंने लिखी हुई है, मगर ये इस लिखा हुआ है। फिर वापस आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये सोल्यूशन ऑफ इंजेक्शन है, प्रीफिल्ड 1 मिलीग्राम है, बाकी ये उसके बारे में जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है वो उसके बारे में लिखा हुआ है, शायरा कराची और ये जहाँ कहाँ से इम्पोर्ट होके आई हुई है वो लिखा हुआ है। पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर कोई डब्बा है बीच में, इस साइड पे आप देख लें, ये बड़ा हुआ कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी, और ये बैच नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो बैच नंबर आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है NP SE 960, ये आपने गौर देखना है, क्योंकि अब जो मैंने अगली बातें आपको बताऊंगा, जो फोटो मैं अब साइड पर लगाऊंगा इसके साथ, वो होंगी जिसमें व्हाट यू कॉल इट के जो गलत जो आपका बैच यहाँ पे पाकिस्तान में, अगली वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा मैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है, इसका कोड नंबर दिया हुआ है इन्होंने, 6/2022 की ये प्रोडक्शन है, और ये इट्स जब तक आप खोलेंगे नहीं तो 2025 तक ठीक है ये, बट वंस यू ओपन द बॉक्स इट इज़ गुड फॉर ओनली 60 डेज, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली दवाई जो है इसके अंदर 1 मिलीग्राम वाली 4 डोजेज हैं, यानी इसके अंदर 4 मिलीग्राम ऑफ ओजेम्पिक या सेमाग्लूटाइड है। इसके बारे में मैं एक वीडियो में आगे बनाऊंगा जिसमें मैंने बताना है कि आप अगर आपने 1 मिलीग्राम वाला पेन लिया हुआ, जैसे अगर आपने 0.25 की डोज लगानी है, 0.5 की डोज लगानी है, वो कैसे लगानी है, मैं आपको डोजिंग भी बात बताऊंगा, वो एक हमारी अगली वीडियोज में बनाएंगे। अभी तो ये वीडियो थी, इसमें हमने आपको बताना है कि वो क्या क्या है इसमें, जो जो नकली डब्बा आता है उसमें चेंजेस किया गया। तो मैं डब्बा आपको फुल दिखा दिया, ये इस तरह है बीच में, तो अब मैं आपको साथ साथ बोलता रहूंगा और ये फोटो आपको दिखाता रहूंगा, साइड जब लगती रहेंगी, इससे आपको पता चला कि असली कौन सी नकली कौन सी। अच्छा, अब और जो मैंने आपको बताना है, इसमें जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स सामने देख रहे हैं, ओरिजिनल वाला बॉक्स है, ये ऊपर आप जो डब्बे देख रहे हैं, तो बॉक्स फ्रंट तो उस तरह ही होगा, मगर वो बैक आप देख रहे हैं अरबी में जो है ना, वो नकली होती है। तो अरबी वाला बॉक्स आपने नहीं लेना, वो नकली होता है। ये मैं वो करीब आप करके दिखा रहा हूँ, ये अरबी वाला बॉक्स, पीछे से अरबी रीडिंग लिखी होती हैं, वो बॉक्स नकली है, जो ये सामने पड़ा हुआ वो सही है। अलग बात यह है कि जो है ना, इसके बॉक्स की जो जो ये सरेंज है, वो हमेशा लाइट ब्लू होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं लाइट ब्लू नहीं है, ये डार्क ब्लू है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, नकली है। और इसका बैक वाला साइड वो घुमाते हैं, अगर ये भाग ही तब निकलना शुरू कर जाता है तो वो भी गलत है। अभी डार्क ब्लू में नज़र आ रहा है, ये भी ओरिजिनल नहीं है। अगर आप घुमाते हैं तो उसका जो काउंटर घूमने के बाद बाहर ही निकलना चाहिए, मगर वो बाहर निकला तो वो भी नकली है। एक और बात है कि जिसका जो सीरियल नंबर MP 5 8 0 6 0 जो आजकल आ रहा है, वो नकली है। MP 5 8 0 6 0 जो है वो नकली, जो मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है बीच में। एक और जो बात है, डब्बा ये और प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, ऊपर वाली असली है, नीचे वाली डार्क ब्लू वाली नकली है, ठीक है। अगली जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखें तो ये जो है, को मैंने फ़ोटो लगाई है, देखिए ये सिरिंज अंदर से होनी चाहिए, ऊपर वाली असली है, नीचे वाली जो ये आप देखें सिरिंज बाहर आ रही है, वो नकली है। तो बॉक्स ऐसा ही होना चाहिए, लाइट डार्क ग्रीन है ये बॉक्स, लोग के तो लाइट ग्रीन रहते हैं। दूसरी बात एक और है इसमें कि अच्छा, लाइट ग्रीन जो डार्क ग्रीन है ना, ये 1 मिलीग्राम वाला पैकेट है। इसके अलावा कुछ और लोगों का ये भी होता है, जो जेम्पे का स्टिकर लगा होता है, जो अंदर सिरिंज के ऊपर लगा हुआ होगा, वो जहाँ पे विंडो बनी है ना, उससे उल्टा लगा हुआ होगा, मेरे वाले में ये मसला भी हुआ था। और एक और जो मेन बात है कि हर एक के ऊपर लिखा होगा बाहर के इस इंजेक्शन के अंदर 4 नीडल्स पड़ी हुई है, नीडल्स होना ज़रूरी। तो ये जो बातें हुई, नीडल्स होना, कलर का होना, रजिस्ट्रेशन नंबर का होना, इस और चीज़ें, रंग का चेंज होना और काउंटर का ना घूमना, ये सारी चीज़ें नकली दब लेके जाती हैं। आई होप दिस हेल्प्स। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।